आइए आज मिलते हैं राजधानी पटना के एक ऐसे दलित रिक्शा चालक से जो कि न्याय के लिए और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तथा अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ददर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई इनकी आवाज़ नहीं सुनता है। जहां भी सरकारी कार्यालय में जाते हैं वहां इन्हें दलित होने के कारण भगा दिया जाता है और तथा जो वहां का जो क्लर्क है काम करने के लिए घूस मांगता है। रही बात की एक गरीब और दलित रिक्शा चालक जो कि पसीना बहा करके रिक्शा चलाता है, परिवार का पालन पोषण करने की कोशिश करता है, वो घूस के लिए रुपए कहाँ से लाए जिसके घर में कभी कभी चूल्हा भी नहीं जल पाता है। आइए मिलते हैं लाल बाबू पासवान रिक्शा चालक से और उनकी समस्या से अवगत करते हैं कि उनकी समस्या क्या है। नमस्कार। नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृतधि से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपना परिचय देंगे। नमस्कार, मैं लाल बाबू पासवान ग्राम पोस्ट बिशनपुर के स्थायी निवासी हूँ, थाना मुस्कोसिल जिला समस्तीपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज तक मुझे घर का आवास का मुहैया नहीं कराया गया, न मिला, और जहाँ जाते हैं तहाँ 25,000 रुपया मांग होता है। कथा सूची में नाम नहीं, सूची में नाम भी आया, सारा कागज हम दिया है, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक अकाउंट नंबर, फिर बोला कि बैंक अकाउंट नंबर आपका गलत है, नहीं दिया गया। पटना के राजधानी में रिक्शा चला के 5 को बाल बच्चा है, 2 प्राणी अपने 7 परिवार को अपना, अब चूल्हा भी नहीं जलता है, आटा इतना महंगा हो गया, महंगाई इतना है कि रूम किराया भी महंगा है, यहाँ रोड पर रहने के लिए मजबूर है। जहाँ जाते हैं सरकार ब्लॉक में जाते हैं तो वीडियो भी कहता है मुखिया यहाँ जाओ, और हमारे पंचायत के उप मुखिया है सो वीडियो का दलाल है रामबाबू सहनी, घूस भी मांगता है, घूस मांगता है, 25,000 रुपया घूस मांगा। आज तक हम घूस नहीं देने के छक्षम है, आज तक मुझे आवास का लाभ भी नहीं मिला, बाल बच्चा बीमार है, पत्नी बीमार है, हम अपने खुद बीमार है, दवाई के लिए पैसा नहीं है, कर्जा भी किसी से मांगने जाते तो कोई नहीं देता है और भगा देता है। वीडियो ऑफिस जाते हैं भगाता भी आपको दलित होने के कारण? वीडियो ऑफिस जाते हैं तो भगा देता है, कहता है कि जाओ मुखिया के पास में। गाली गलौज भी करता है? गाली गलौज नहीं करता है, लेकिन कहता है जाओ मुखिया से मिलो, तो उप मुखिया से मिलो, और उप मुखिया है सो दलाल है वीडियो साहब का, वीडियो का दाहिना हाथ है उप मुखिया राम बाबू सहनी को, हम कह बोले तो कहता है कि तुम सूची में नाम ही नहीं है। आवास साहब मुझे सूची में नाम खींच कर ले गया था, सब कुछ हमारे जो साथ गया खींच कर ले गया, उस सबको घर द्वार सब मिल गया, हम घूस देने के कारण हमको घर आज तक 25,000 नहीं दे पाए, हमको नहीं कुछ मिला। मतलब आपने घूस नहीं दिया, मतलब भ्रष्टाचार का विरोध किया, इस कारण से आप जो है न्याय से वंचित हैं, आपको जो है भूमि अधिकार का या आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने जो है घूसखोर व्यक्ति को घूस नहीं दिया ना। और क्या कहना है, आपके घर में चूल्हा जल पाता है? नहीं। राशन कार्ड का क्या हाल है? राशन कार्ड और सब बंद कर दिया। क्यों? अब पता नहीं क्यों बंद कर दिया, हम कहता है अगर हम फर्जी है तो जांच करावे। आपको कोरोना काल में कुछ मदद मिला सरकार से? नहीं, कोरोना काल में हम कुछ नहीं जानते, सब पूरा कोरोना काल से मुझे राशन कार्ड और सब बंद है। अगल बगल वाले पड़ोसी कोई मदद किया आपको? नहीं, कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं किया। जिसको कोठा पर गहूम सूखता है ना उसी को गहूम मिलता है, हमारे पास तो गहूम है नहीं जो कोई गहूम देगा। एक बात और है, जो दलित हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनसे समाज जो है घृणा करती है, क्या कहेंगे आप? हम लोग दलित से आते हैं, गरीब भी हैं, गरीब भी है और पीड़ित भी हैं, पीड़ित भी है, दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं न्याय के लिए, दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, सोचे कि मुख्यमंत्री यहाँ जाएंगे तब ऑनलाइन कराने जाते हैं तो वहाँ 150 रुपया मांगता है, हम उसके सक्षम भी नहीं है, अब कहाँ जाए, वहाँ तो मुख्यमंत्री आवास पर मिलने भी नहीं दिया जाता है। हाँ, कहता है कि आप मिल के क्या कीजिएगा, घर में आराम कीजिए, जनता दरबार में भी न्याय नहीं मिलता है, तो पीड़ित व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ, क्या कहेंगे आप?
जनता दरबार में हम जाने के लिए ऑनलाइन कागज करवाने जाते हैं तो हमसे 150 रुपया मांगता, हम उसके सक्षम नहीं, अभी तक हम जनता दरबार में नहीं गए। हम बहुत बार सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मिलिए, मुख्यमंत्री हमारे पंचायत में बहुत, मतलब जिसको पास पैसा कौड़ी है, जिसको पास 5 बीघा 10 बीघा जमीन है, जो रेलवे में नौकरी कर चुका है, उसी को सब कुछ मिला है, हम लोग के आज तक कुछ नहीं मिला। मतलब ऐसा भी है कि आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभ मिलना चाहिए सही व्यक्ति को उनको नहीं मिल पा रहा है, जिनके पास बड़े बड़े मकान हैं, जो बड़े सरकारी पदों पर है, उनको सरकारी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। हाँ। और आप जो दलित हैं, वंचित हैं, फिर न्याय के लिए दर्जन भटक रहे हैं, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपने आवेदन भी किया तो आपका आवेदन को रद्द किए हुए, घूस मांग रहा है 25,000 रुपया। राशन कार्ड का भी लाभ नहीं मिल रहा है आपको, उसमें जो लिस्ट में नाम था उसको भी हटा दिया गया। ये तो एक तरह से कहा जाए कि मानव अधिकार का हनन है। राजधानी पटना के जो MLA MP है, उनके पास गए अपने आय के लिए? नहीं, हमने गए। तो उनका भी दरवाजा तो शायद बंद ही रहता, नहीं सुनता है ना कोई? नहीं, उन लोग पहले देखेगा मेरे जात का है कि नहीं। नहीं, जात ही बात है, और उन लोग हम लोग के गरीब को सुनता है? नहीं सुनता है, खाली वोट लेने के लिए जाता है, गरीब को खाली गाली खाली देता है, गरीब कह के खाली वोट लेता है और कहेगा हमको ये वोट करवा दीजिए, वो वोट करवा दीजिए, यह है वह है, बड़ी बड़ी वादे करते हैं, लेकिन हम लोग के साथ अभी तक केवल इलेक्शन के टाइम में आएगा, महल में झोपड़ी में हाथ जोड़ कर के वोट मांगेगा और उसके बाद मतदाता को भूल जाएगा। हमारे सांसद साहब हैं प्रिंस राज जी, अभी तक हम उनके पास नहीं गए, इलाज के लिए गए लेकिन लेटर पैस लिख देते हैं, एक बार उनके अति पर इलाज कराए थे, लेकिन इस बारे में हम जाकर उनको नहीं बोले। कहना चाहिए ना? कहना चाहिए, क्या बोलेंगे, सब नीचा से ऊपर तक वही है, जाते हैं तो कहता है साहब नहीं है, अभी मीटिंग में है, बाहर गए हुए हैं, 2 दिन बाद आइएगा, साहब बाहर गए हुए हैं। अब हम लोग बाल बच्चेदार आदमी है, 2 पैसा कमाते हैं तो चूल्ही जलता है, नहीं तो दिया कमाई नहीं होता, ऐसा चूल्ही भी नहीं जलता है। पड़ोस के लोग मजाक भी उड़ाते होंगे? पड़ोस के लोग तो मजाक का है कि तू तो पैसा तो घूस काहे दे देता है, तुमको भी हो जाएगा, लेकिन हमको हुआ हो चाहे मत हो, कहाँ से लाएंगे, जब चूल्हा ही नहीं जल पाता है तो 25,000 रुपये घूस कहाँ से लाएंगे आप? रोड पर हम जीवन गुजार रहे हैं, कोई कर्ज तो देगा नहीं, देगा भी तो बहुत लेगा सूद। हाँ, कर्ज भी नहीं देगा, चुकाएगा कैसे फिर? कर्ज भी नहीं ना देगा, कर्ज तो उसी को देगा जो पैसा है उसके पास देगा, हम गरीब आदमी हमको कहाँ से देगा, इसलिए हमको कर्ज भी नहीं मिलता है, बाल बच्चा के लेकर पटना के राजधानी में रोड पर जीवन गुजर कर रहे हैं, बच्चों को तो पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, बच्चा को पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। बेटियां कितनी हैं आपको? बेटी 3 है। 3 है, तीनों की शादी करने के लिए पैसा आपने कुछ बचा नहीं पाया होगा? कुछ नहीं, पैसा नहीं। अभी ना दहेज की तो शादी होती नहीं है आजकल? नहीं, बच्ची भी भले ही कानून बना हो, लेकिन कानून किताबों में बंद है। महंगाई भी इतना हो गया जो गरीब आदमी, GST के कारण GST लगा दिए, महंगाई इतना हो गया जो हम लोग आटा खाते थे 28 रुपये, जो आज खा रहे हैं 34 रुपये किलो, वो भी शुद्ध नहीं, वो भी शुद्ध नहीं है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, दवा नहीं खरीद पाते हैं, दवा तो उधार देगा नहीं कोई, नहीं उधार, दवा भी फ्री में, दवा भी नहीं मिलती है, अब पैर से लाचार है, फोटो ले लीजिए, हम एक पैर से लाचार हैं, हाथ से लाचार है। कभी ऐसा भी हुआ है कि आप रिक्शा चलाते हैं और जो सवारी है आपका भाड़ा का पैसा जो है लेके भाग गया हो? क्योंकि ऐसे समाज में अपराधी लोग हैं जो कि मुफ्तखोर होते हैं, रिक्शा पर बैठ जाते हैं और उसके बाद घर में भाग जाते हैं, रिक्शा चालक को भाड़ा नहीं देते, ऐसा भी हुआ है कभी आपके साथ? भाड़ा तो कभी कभी, अगर चोर को क्या कहा जाए, चोर अगर नहीं, क्योंकि ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिला कि हम यहाँ पर रुकिए, हाँ आ रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं, गायब हो गया, गायब हो गया, ये सभी होता है। लेकिन एक बात नहीं सोचता है कि हम किसी का पैसा बेईमानी करते हैं या किसी की संपत्ति हड़पते हैं, तो वो संपत्ति लेके हम ऊपर नहीं जा सकते, या रुपया लूटा हुआ रुपया लेके ऊपर नहीं जा सकते, एक पैसा ऊपर नहीं जाता है। और एक बात और, ऊपर वाला जो है 24 घंटा देखते रहता है कौन अब क्राइम कर रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन परोपकार कर रहा है, वो सारा दिख रहा है, सारा लिखा पर ही होता है, उसमें बेईमानी घुसखोरी नहीं चलता है भगवान के न्यायालय में। मुख्यमंत्री से जी से जाके मिलेंगे जरूर, ऑनलाइन किसी से कर्जा लेके 150 रुपया दे के ऑनलाइन करावेगी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो अभी नए बने हैं फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप, जो कहना है कहिए आप। उनसे यही कहेंगे कि
पांच बाल बच्चा है, दो परानी अपने सात बाल बच्चा के लेकर पटना के राजधानी में रोड पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो कभी हटा भी देता है भगा भी देता है, फिर भी हम लोग पुलिस भी तंग करती है आपको? पुलिस नगर निगम वाला तंग करता है हम लोग गरीब आदमी को, बाल बच्चा के लेकर इधर उधर उधर भटक रहे हैं, रूम भी भाड़ा पर नहीं मिल रहा है, जाते तो भी किराया में अगर लेट होता होगा तो गाली गलौज करता होगा मकान मालिक? हाँ, मकान मालिक कहता खाली करो जाओ पैसा दे दो। हम लोग सक्षम नहीं है, प्रमुखमंत्री से यही कह रहे कि हमको आवास का मुहैया करा दे, प्रधानमंत्री आवास योजना का मुहैया करा देंगे। हमारे पंचायत को बिशनपुर पंचायत समस्तीपुर के बिशनपुर समस्तीपुर ब्लॉक में इतना भ्रष्टाचारी है, वीडियो का दलाल है हमारे उप मुखिया राम बाबू सानी, वो जब वीडियो के जो कहता है वही करता है, सब अधिकारी को मतलब वो खरीदे हुआ है। हमको कहेगा जाके पूछेंगे कि कहा हो तुम्हारे तो लिस्ट में नाम नहीं है, लिस्ट में नाम चल बल्हर है, आवास सहायक से लेकर सब कुछ सब उसी के हाथ में, हमको जाते हैं तो भगा देता है। और वीडियो कहता है डायरेक्ट मुखिया से मिली, आवास योजना आया भी तो मुखिया जी रिंकू कुमारी मुखिया जी को हमने आधार कार्ड पहचान पत्र बैंक अकाउंट नंबर सब ले लिए और बोला कि अब तुम जाओ हम तुमको बुला लेंगे। हम गए भी मिलने के लिए तो बोला कागज़ भेज दिए, छः महीना के बाद मिलने गए तो कागज़ भेज दिए। आज वर्तमान में जनार्दन राम पंचायत समिति हमारे पंचायत बिशनपुर के हैं, वो आके बोले विकास मित्र के जगह पर वो काम करते थे, वो आके बोले कि वो आपका अकाउंट नंबर गलत है, जो अकाउंट नंबर हमको दीजिए हम भेज देते हैं। हम बोले मेरा अकाउंट नंबर कहीं से गलत नहीं है, ये सब जलसाजी। घूस 25,000 रुपया मांगा गया था जो उसके छक्षम में नहीं थे, तो इसलिए आधार अकाउंट को गलत बता दिया, बहाना मिल गया बहाना। और अभी वर्तमान में पंचायत समिति हमारे जनार्दन राम अभी हमारे पंचायत में है, उनसे भी हम कहें कि हमारा अकाउंट नंबर गलत है, नहीं तो हर अकाउंट नंबर गलत, फिर मैं जाकर रिक्वेस्ट किया कि वो पूछे कि कहाँ अकाउंट नंबर गलत है थोड़ा हमको बता दीजिए, चलिए कौन बोला है आपको, हमारा पेंशन जो है तो विकलांग का पेंशन उसी खाते पर आता है, तो हम कैसे हम गलत मान लें कि हमारा अकाउंट नंबर गलत है, सेंट्रल बैंक का खाता था हमें, सब कुछ बायोडाटा भर के धर के सब कुछ सब दे दिए, लेकिन आज तक मुझे कहा तुम्हारा खाता पंचायत समिति वर्तमान में जो है जनार्दन राम बोला थे, फिर हम उनको भी रिक्वेस्ट किए लेकिन फिर सुने नहीं कि ये पैसा का सवाल था 25,000 रुपया आप कहाँ से, इसलिए हमारा काम नहीं। मानवाधिकार आयोग है नई दिल्ली में, उनके निदेशक से क्या कहना चाहेंगे आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, मानव अधिकार की रक्षा के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए क्या कहना चाहेंगे आपके अधिकार का जो हनन हो रहा है? पहले मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, अगर यहाँ से मुख्यमंत्री नहीं किए तो फिर मानवाधिकार में दिल्ली नहीं, आप कह सकते हैं अभी भी क्या कहते हैं आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आप बोलिए। हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, दलित माँ दलित को शोषण हो रहा है, आज भी शोषण हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रहा है, हम लोग गरीब आदमी है, गरीब आदमी के जीने का क्या अधिकार नहीं है। हम मुख्यमंत्री से मिलना चाह मिलेंगे और उनसे मिल के अगर वो कर दिए तो ठीक है, नहीं तो मानवाधिकार के यहाँ दिल्ली में जाएंगे, किसी भी तरह जाएंगे लेकिन जाएंगे। धन्यवाद रामिल लाल बाबू पासवान जी, आपको न्याय मिले, अमृत जी न्यूज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं जो हमारे गरीब आदमी के पास सुने अमृत न्यूज, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रंजन कुमार अमृत जी, अमृत जी न्यूज पटना बिहार, नमस्कार।